हेलो गाइस, वेलकम टू स्टमक बाइट। आज की इस वीडियो में हम लोग केसरिया जो गाना है उसका एडवांस वर्जन बनाने वाले हैं, एंड क्या क्या लेयर होगा, मतलब क्या क्या मैंने यूज किया है वो मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो चलो चलते हैं एंड दिखाते हैं कैसे कैसे मैं बनाया था ये केसरिया का डांस वर्जन। तो तुम लोग को चाहिए सबसे पहले एकापेला। एकापेला तुम लोग को बनाने के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है कैसे एकापेला बनाते हैं, वो आई बटन में मिल जाएगा, वो चेक कर लेना। एंड एकापेला के बाद हम लोग को जो नेक्स्ट चीज चाहिए इस ट्रैक का कॉर्ड्स। तो कॉर्ड्स के लिए मैं यहाँ इसे स्टार्ट किया था, गिटार टाइप का मैंने स्ट्रमिंग टाइप का कॉर्ड्स यहाँ पे बनाया है। और ये कॉर्ड्स भी कैसे निकालते हैं किसी ट्रैक का वो भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो में जाके तुम लोग पूरा वीडियो देख लेना वो वाला, उसमें एकपेला एंड ये कॉर्ड्स कहाँ से निकलते हैं, कौन सा वेबसाइट से, वो तुम लोग मिल जाएगा। कॉर्ड्स पहले सुनते हैं क्या कॉर्ड्स है। तो ये सिंपल कॉर्ड से इससे मैंने स्टार्ट किया था, देन मेरे को ये गाना इतना स्वीट सा गाना है, इतना अच्छा गाना है, तो इस ट्रैक का एक ड्रॉप सेक्शन आएगा। लेकिन जो हम लोग को ब्रेकडाउन सेक्शन है या जो वर्ड्स बोल सकते हो उस सेक्शन में मेरे को ऑर्गेनिक साउंड चाहिए। ऑर्गेनिक साउंड के लिए मैंने सेकेंड जो लेयर बनाया उसको ही मैंने कॉपी करके मैंने यहाँ पे गिटार स्ट्रमिंग पे डाल दिया। देन मैंने बस पैड वही सेम लेयर को मैंने पैड में यूज किया। तो उसके बाद के अंदर मैंने एक स्नैप या क्लैप मैंने यहाँ पे यूज किया, सिंपल वो रिदम लाने के लिए, बस मतलब स्टार्टिंग का जो ब्रेक डाउन पार्ट है उस जगह में। देन उसके बाद ये एकदम ब्रेक डाउन का स्टार्टिंग पार्ट है, तो यहाँ पे और थोड़ा बहुत इफेक्ट चल रहा है, ठीक है। इफेक्ट्स पोर्शन में एकदम लास्ट में मैं दिखा रहा हूँ, इफेक्ट पोर्शन पे नहीं जा रहा हूँ अभी। देन ये ब्रेकडाउन का स्टार्ट है, देन उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके बहुत सारे एलिमेंट ऐड होता है, जैसे बेस ऐड होगा अभी, देन बेस ड्रम्स बहुत कुछ ऐड होगा, एंड सब ऑर्गेनिक या एक्यूस्टिक ड्रम्स मैंने यूज किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे म्यूजिक पार्ट पहले देख लेते, उसके बाद ड्रम्स पे चलते हैं। म्यूजिक पार्ट में मेरे को इस जगह में मतलब खाली लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे प्लक्स डालना चालू कर दिया था। तो देन नेक्स्ट, तो हम लोग का पहला आर्ट पार्ट में ज्यादा कुछ एलिमेंट नहीं था, सिर्फ स्नैप और गिटार ही चल रहा था। देन उसके बाद आर्ट पार्ट में यहाँ पे हम लोग का ट्रैक थोड़ा बिल्डअप की तरफ जा रहा है, उस वहाँ पे हम लोग प्लक्स डाला है, एक नया प्लक्स डाला है यहाँ पे। ये सिंपल प्लग डाला है, देन जो हम लोग वो गिटार वाला जो पहले यूज किया था उसी चैनल पे हम लोग यहाँ पे कॉर्ड बना दिया मैंने। कॉर्ड बना दी, देन थोड़ा मेरे को खाली लग रहा था म्यूजिक पार्ट, यहाँ पे मैंने एक सैंपल यूज किया कैश्मीर का, एक पैक से, हाँ यूकेलेली का एक सैंपल है, उसको मैंने चॉप किया, चॉप करके ऐसा टाइप का, उसको मैंने चॉप कर दिया वोकल के अकॉर्डिंग। तो वोकल में जहां जहां खाली पार्ट लग रहा था उस जगह में मैंने इसे फिल कर दिया। देन नेक्स्ट जो मेन एलिमेंट है वो है बेस, हम लोग का बेस ऐड हो रहा है यहाँ पे, एक्यूस्टिक बेस, जो प्लग का रिदम चल रहा है वही सेम रिदम में हम लोग का बेस चल रहा है। ये सिंपल बेस है, अभी बेस हो गया हम लोग का और जिसमें कॉर्ड सेक्शन वो हो गया। देन आता है हम लोग का जो ड्रम पार्ट, मैंने बोला था कि मैं एक्यूस्टिक टाइप का ड्रम यूज करूंगा, तो ड्रम पार्ट आते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग का किक से। किक यहाँ पे मैंने थोड़ा मतलब वही एक्यूस्टिक ऑर्गेनिक जो हम लोग का किक होता है वो लिया कश्मीर का पैक से, ये वाला किक मैंने यूज किया यहाँ पे, ये हम लोग का स्नैर है। देन यहाँ ट्रैप स्नैर का रोल है जो कि लेफ्ट राइट पैन हो रहा है, देन क्लैप स्नैप एक साथ प्ले हो रहा है यहाँ पे, तो क्लैप स्नैप एक साथ प्ले हो रहा है। देन और कुछ है क्या, और कुछ शायद नहीं है यहाँ पे, कुछ है भाई पता नहीं क्या, टॉम फील है। बाकी मतलब ब्रेकडाउन पार्ट हम लोग का खत्म है, तो ये था ब्रेकडाउन पार्ट। अभी नेक्स्ट आएगा बिल्डअप, देन आएगा ड्रॉप। तो बिल्डअप सेक्शन पे हम लोग अगर चले तो बिल्डअप सेक्शन फिर से म्यूजिक से स्टार्ट करेंगे, देन बेस और उसके बाद जंप पे जाएंगे। तो म्यूजिक पे अभी देखते क्या क्या है। तो यहाँ पे जो कॉर्ड चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो यहाँ पे पैड है और जो गिटार है उसको चेंज कर दिया, देन कॉर्ड सेम रिदम सेम है, वही सेम रिदम पे हम लोग का कॉर्ड चल रहा है, एंड उसके ऊपर और एक जो हम लोग लेयर किया था। देन जो बिल्डअप के यहाँ पे हम लोग का म्यूजिक सेक्शन यहाँ पे खत्म होता है, एक्यूस्टिक बेस जो यूज कर रहा था वो ही बेस हम लोगों ने यहाँ पे बिल्डअप यूज किया।
और ये बहुत सारा चीज फिल्टर भी हो रहा है क्योंकि ये बिल्डअप का एकदम एंड पार्ट है, अभी ड्रॉप स्टार्ट होगा। देन ड्रम्स देखते हैं कि बिल्डअप पे क्या ड्रम्स बना है। तो हम लोगों का किक चल रहा है ये पैटर्न में, तो ऐसे 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 बिल्डअप होगा, देन देन जाके वही और छोटा छोटा हो जाएगा और फिल्टर भी हो रहा है। तो देन यही सेम पैटर्न में हम लोग का स्नैर और क्लैप चल रहा है। देन बीच बीच में हम लोग का ट्रैप स्नैर भी है जो और इंटरेस्टिंग कर रहा है साउंड को, जैसे कि ये वाला। तो ये बीच बीच में प्ले हो रहा है, जब एक साथ मैं सुनाऊंगा तब तुम लोगों को पता चलेगा कि ये मतलब कैसे साउंड कर रहा है सब कुछ। देन क्लैप, यहाँ पे जो क्लैप चल रहा था वही क्लैप भी यहाँ पे राइज बिल्डअप के यहाँ पे यूज हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत और कुछ भी ऐड किया जा सकता था, थोड़ा पिच हो गया एंड थोड़ा बहुत और भी कुछ चीज ऐड किया जा सकता था। अभी अगर मैं वीडियो के बाद में काम करूंगा तो थोड़ा बहुत और चेंजेस कर दूंगा। अभी किया जा सकता है, जैसे स्नैर पे थोड़ा पिच चेंज भी कर सकते हो, जैसे पिच ऐसे चेंज हो रहा है, मैं अभी इसमें भी दिखा सकता हूँ। ओके, जैसे इसमें तुम लोगों को दिख रहा होगा ये चेंज हो रहा है, यहाँ पे जैसे पिच चेंज हो रहा है सीधा सीधा, इसमें भी होना चाहिए था, क्यों नहीं किया पता नहीं, और एक बार मतलब कर देते। ये हम लोग का हो गया यहाँ पे ऑटोमेशन। देन वही जो फील पहले दिखा था वही फील शायद आएगा यहाँ पे, एक बार आना तो चाहिए, नहीं एक दूसरा कुछ फील आ रहा है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे वोकल शॉट आ रहा है। तो ये देने का रीजन वही था कि पूरा ब्रेकडाउन हम लोग का थोड़ा ऑर्गेनिक एक्यूस्टिक साउंड से बना है, तो वही उस फिल को कंटिन्यू करने के लिए ड्रॉप यहाँ पे जो फिलर भी यूज़ किया वो भी मतलब एक्यूस्टिक फिलर मैंने यूज़ किया है, नहीं इम्पैक्ट नंबर। तो अभी एक बार ब्रेकडाउन सेक्शन सुनते हैं, थोड़ा बहुत मैं वोकल थोड़ा बहुत चलाऊंगा बीच बीच में एंड बिल्डअप तक सुनते हैं, देन ड्रॉप में जाएंगे एंड ओके। हम लोगों ने कुछ मिस कर गया है, जैसे यहाँ पे वोकल चला है, तो जो वोकल चॉप था उस वोकल चॉप को हम लोग इफेक्ट्स ग्रुप के अंदर ही डाल दिए थे, तो वो करना नहीं चाहिए, जैसे कि मैंने मेरे को याद ही नहीं था कि कहाँ पे वोकल ये चॉप डाल दिया। तो एक वोकल चॉप है, ये भी कश्मीर का पैक से, उसको मैंने कट कर लिया है, जितना चाहिए था उतना लिया। जितना चाहिए था उतना लिया, काट दिया। तो फिर से एक बार सुनते हैं। केसरिया तेरा